तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं माता रानी की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। और तुला राशि वालों, न्याय के देवता भगवान शनि देव जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, दिन रात गुहार लगाती हैं कि हे प्रभु, आप किसी को नाराज मत रखना, आप किसी को उदास मत रखना, खासकर उन लोगों को प्रभु जिनका सहारा केवल आप ही हो। आप सभी को इतनी कामयाबी देना, इतनी तरक्की देना, ताकि सभी लोग अपने जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। प्रभु हमारी आपसे बस इतना ही अनुरोध है। तुला राशि वालों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, पूरे 52 साल बाद भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी हुए मेहरबान। आज दोपहर 1:47 बजे के बाद तुला राशि वालों बहुत बड़ा वरदान आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, समय बहुत कम है और खुशखबरी बहुत बड़ी है। जितना जल्दी हो सके आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लो, आप मालामाल हो जाओगी। जी हाँ दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपकी टूटी फूटी किस्मत चमकाने वाले हैं और आपको स्वर्ग का वो सुख दिलाने वाले हैं जो सुख आपने आज तक नहीं भोगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें तो आपके किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर 1:47 बजे के बाद जो घटना आपके जीवन में घटित होने वाले हैं, आप देखकर खुशी से पागल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप मन ही मन अपने उस भगवान को मनाएंगे, उस भगवान को पुकारेंगे जिस भगवान को आप प्रतिदिन नाम लेते हैं, जिनको आप सच्चे दिल से मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ऐसा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। जी हाँ, वो भी आज दोपहर 1:47 बजे के बाद। लेकिन ये बात किसी को भी कानों कान खबर नहीं होने देना। जी हाँ, नहीं तो लोग आपसे छिनने में जरा सी भी देर नहीं लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय हो शनिदेव महाराज जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज दोपहर 1:47 बजे के बाद ग्रह गोचर में कौन से परिवर्तन हो रहे हैं जिससे आपको बहुत बड़ा वरदान मिलेगा, जिससे आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपके किन किन क्षेत्रों में बदलाव होंगे, व्यापार व्यवसाय, कैरियर बिजनेस, लव लाइफ, पारिवारिक माहौल, दैनिक दिनचर्या व अन्य सभी प्रकार के क्षेत्रों में कौन कौन से महापरिवर्तन दिखाई देंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय देकर वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त ही वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय माता दी लिखकर हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, बात करते हैं। तुला राशि वालों, आज दोपहर 1:47 बजे के बाद न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपके घर आने वाले हैं और आपको बहुत बड़ा वरदान देने वाले हैं। जी हाँ, जिससे कि आपको स्वर्ग का सुख धरती पर ही मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, वो सुख आज दोपहर 1:47 बजे के बाद आज आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पूरे 52 साल बाद आपकी कुंडली में एक ऐसा खतरनाक योग बनने जा रही है जिससे कि दोस्तों आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगी और आपके जीवन को हीरे से कई गुना तेज चमका देगी। देखिए दोस्तों, लोग आपके बारे में क्या सोचता है इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। जी हाँ, आपको केवल अपने कर्म के बारे में सोचना है, आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना है, क्योंकि लोगों की बातों को अगर आप दिल से लगाओगे तो आप रोते रह जाओगी। इसलिए जो जैसा करता है उन्हें वैसा करने दो। आपके ऊपर
न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी का हाथ है और देवों के देव महादेव जी का हाथ है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ हाँ, ये लोग कुछ समय के लिए आपको परेशान भले कर सकता है, लेकिन आपका नुकसान कोई नहीं कर सकता। ये मैं आपको लिख कर देता हूं। बस आप अपनी आशा विश्वास ईश्वर पर ऐसे ही बनाए रखना जिस तरह से आप हमेशा रखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। इसलिए भगवान अगर आपको दे रहे हैं तो आपको अहंकार करने की जरूरत नहीं है, घमंड करने की जरूरत नहीं है। जो आपको मिल रहा है ये आपके कर्मों का क्रेडिट है। जी हाँ, पिछले समय अंतराल में आपने अच्छे कर्म किए हैं, उसका क्रेडिट भगवान शनिदेव जी आपको दे रहे हैं, जो कि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे और भी बहुत कुछ देने वाले हैं, बस आपको भगवान पर आशा विश्वास ऐसे ही बनाए रखना है। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, आगे वीडियो में बहुत खास बहुत जरूरी जानकारियां आपको देने वाले हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप किसी काम में हाथ आजमाएंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें आपको लाभ होगा। आपके घर आज किसी परिजन का आगमन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपको काफी खुशी महसूस होगी। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया हुआ था तो उसे परिणाम बहुत अच्छे आ सकते हैं। आपकी किसी पुराने मित्र से आज लंबे समय बाद मुलाकात होगी। जी हाँ, आपको छुटपुट लाभ के अवसरों को हाथ से जाने नहीं देना है, नहीं तो समस्या हो सकती है और आगे चलकर आपको पछताना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए कठिनाइयों से थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से आज आप कार्य करेंगे उस हिसाब से आज आपको फल मिलेगा, परिणाम मिलेगा। जी हाँ, कोई काम आप अपने जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे बिजनेस की शुरुआत करा सकती हैं। शेयर मार्केट अथवा लॉटरी सट्टे में धन निवेश करने वाले लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका कोई काम आपके लिए समस्या बन सकता है, इसलिए दोस्तों जो काम आज आप शुरुआत कर रहे हैं उसे आज ही खत्म करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज आप लेजी आलसी ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आज का दिन आपके लिए अच्छा है, मिला जुला रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी को शॉपिंग पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपको अपने बजट का ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, सारा पैसा खर्च ना करके कुछ पैसा भविष्य के लिए जरूर बचाएं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए रहेगा। जल्दबाजी में आप कोई निर्णय ना लें, नहीं तो दिक्कत होगा। परिवार में आज किसी सदस्य को नौकरी से संबंधित कोई अच्छा मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको आज किसी नए मकान दुकान भवन आदि की खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें आप माता पिता से आशीर्वाद अवश्य लेकर जाएं, आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, शासन व सत्ता का आज आपको भरपूर साथ मिलेगा और गठजोड़ लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए भी उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन आपको इस समय डिमोटिवेट नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में क्या चल रहा है इस बात को लोग जानने की बहुत कोशिश करेंगे, जिक्र करेंगे, लेकिन आपको किसी को भी नहीं बताना है कि आप क्या करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आपके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती है। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत के अनुसार फल मिलने से आपको खुशी होगी। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपको व्यापार में धन लाभ मिलने से काफी प्रसन्नता बनी रहेगी। आपका कोई काम आज आपके लिए समस्या लेकर आ सकता है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर बेवजह बहसबाजी हो सकती है, जिसके कारण तनाव बना रहेगा, इसलिए दोस्तों आज आप
इतना ध्यान रखें कि छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ नरम रहने वाला है। जी हाँ, सितारे कहते हैं आपका सेहत आज आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए आज आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, उनसे आपको फिलहाल बचना होगा। जी हाँ, आपको किसी की कही सुनी बातों में आकर कोई निर्णय लेने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, पिताजी को कोई आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है जो आपको परेशान करेगी। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे का ख्याल रखें और साथ ही साथ खुद का भी ख्याल रखना होगा, आज के दिन बहुत जरूरी है। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया हुआ था तो वो भी आज आपको वापस मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, यदि आप किसी को कोई काम सौंपेंगे तो वह समय रहते पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपको खुशी होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।